मैं रामकिशोर मेहता एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है वायदा खिलाफी। अच्छा किया कृष्ण तुमने वायदा खिलाफी की, हमारे समय में अवतरित नहीं हुए, वरना तो हम तुम्हें देशद्रोह में बंद कर देते। कविता का शीर्षक है लज्जा। सच सच बताना महाकवि कि क्या यह तुम्हारी लेखनी की लज्जा थी या कृष्ण का प्रायश्चित कि दत्त राष्ट्र की सभा में द्रौपदी को नंगा नहीं किया जा सका। कुछ यादें जिंदगी भर पीछे नहीं छोड़ती। मैं राजनीति की तो नहीं, लेकिन राजनीति से वैचारिक दृष्टि से जुड़ा हुआ हूं। बात उस समय की है जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को पराजित कर जनता पार्टी का राज आया था और आदरणीय मुरारजी देसाई जी उसके प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए थे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिकन राइटर सैमुअल हर्ष ने उनके बारे में एक डिस्क्लोजर किया कि यह व्यक्ति CIA द्वारा पेड था। अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा सुनकर मन को बहुत दुख हुआ और एक कविता लिखी। कविता यह है, मुझे आश्वस्त करो मेरे हिमालय के उच्चतम शिखर कि तुम सचमुच पहाड़ हो। अब तो मुझे ये डर लगने लगा है कि कौन जाने कोई खोजी पत्रकार, कोई सैमुअल हर्ष मुझे ये सूचना दे कि तुम तो केवल एक तंबू हो जो कि खड़े हो किसी KGB या CIA के स्तंभ के सहारे और तुम्हारे साथ ही हर हरा कर ढह न जाए मेरे आत्मविश्वास का किला।